गंभीर रूप से बीमार रेफर मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ अक्सर एम्बुलेंस चालकों द्वारा दुर्व्यवहार करने के मामले सामने आ रहे हैं। गत दिवस गुना से ग्वालियर रेफर की गई 1.5 महीने की बच्ची के माता पिता के साथ एम्बुलेंस चालक ने अमानवीयता और लापरवाही की हदें तोड़ दी। उक्त एम्बुलेंस चालक बच्ची की मौत के बाद परिजनों को रोता बिलखता शिवपुरी जिला अस्पताल छोड़कर भाग निकला। बाद में किसी तरह माता पिता अपनी नन्ही फूल सी बेटी का शव लेकर अपने घर आरोन पहुंचे। इस संबंध में बुधवार को पीड़िता पिता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ड्राइवर की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मैं बच्ची को दिखाने के लिए अस्पताल में ले गया था, वहां से डॉक्टर साहब ने गुना के लिए रेफर कर दिया। गुना लाया तो सर बोलने लगे कि ग्वालियर ले जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। जो एम्बुलेंस गई थी ना, उसमें उन पायलट ने ऑक्सीजन नहीं देखा, म्याना निकाल के नहीं, उसने मैंने कहा ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो उसने ना फ़ोन लगाया, पर गुना से ही गाड़ी आई, उसने उसमें रेफर किया, तब तक बच्ची ने इसकी जान निकल गई थी। पर मैंने बोला भैया जहाँ से चेक करा ली गई थी, तो उसने बोला कि बीच में कहीं नहीं होगी चेक, आप तो शिवपुरी चलो, वहाँ से चेक करा लेंगे अपन। ज़बरदस्ती हुआ ना, शिवपुरी के लिए ले गया, फिर वहाँ पे चेक कराया तो बच्ची एक्सपायर बताई उन्होंने। पर मैंने जब बोला कि आप रिटर्न ले चलो, मुझे घर तो छोड़ दो, मैं जा क्या करूँगा, तो उसने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। पर मैं व्यवस्था कर गई थी, 3,000 रुपये में गाड़ी लाया, वहीं छोड़ गया वो आपको, वहीं छोड़ के भाग गया। आपने उसको बोला नहीं? बिल्कुल बोला था मैंने, उनके वो स्लिप दिया था जो आपने आप वहाँ से लाए थे, तो स्लिप भी नहीं दी उसने और घर भी नहीं ले आया। क्या नाम था उसका? उसका नाम पता नहीं है, नंबर है। पहले आप कौन सी हॉस्पिटल ले गए थे? पहले मैं गुना लाया था आरन से। आरन से गुना लाए थे? हाँ। सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल में लाया था। सर आप कैसे अपनी बच्ची को ला पाए? कहाँ से? शिवपुरी से। शिवपुरी प्राइवेट ने गाड़ी करी मैंने, 3,000 रुपये की, वो चलाया मैं। पैसे थे आपके पास? पैसे नहीं थे, मैंने उसके हाथ जोड़े, फिर मैंने कहा घर पर चल के दे दूँगा मैं आपको। आरन में मेरे बार्ड के निवासी है अनिल वंशकार, उनका मेरे पास कल शाम को कल फोन आया कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप आरोन हॉस्पिटल आ जाओ। मैं आरोन चिकित्सालय पहुंचा, वहां पर यादव साहब DMO साहब है, उनसे निवेदन करके इनको एम्बुलेंस करवा के जैसे तैसे गुना भेजा। फिर मेरे पास इनका फ़ोन आया, गुना से रेफर कर दिया था ग्वालियर, फिर मेरे पास इसका फ़ोन आया शिवपुरी से कि गाड़ी मेरी बच्ची की मृत्यु हो गई है और मुझे इसने ड्राइवर ने गाड़ी से उतार दिया है, और इसकी जो एम्बुलेंस लाए थे उसमें ऑक्सीजन भी नहीं। फिर मैंने इससे कहा तो कैसे ये भटकता रहा वहाँ पर, फिर मैंने इससे कहा तो कहीं भी कोई भी गाड़ी करके यहाँ वापस आ जा। फिर ये मामला फिर मैंने यहाँ पर जिलाधीश महोदय के पास आए हैं, उस एम्बुलेंस की और इस अमानवीय हरकत की शिकायत करने, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अनशन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल।